नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UK-SSC में जो वैकेंसी आई है 164 रिक्त पदों पर, जिसमें की वैकेंसी है वाहन चालक की, प्रवर्तन चालक की और डिस्पैच राइडर की। उसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वाहन चालक का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा UK-SSC के OTR पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको वहां पर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन करने का और न्यू रजिस्ट्रेशन करने का। लॉगिन वो करेंगे जिनका पहले UK-SSC में रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन कीजिए, और अगर आप पहली बार UK-SSC का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर OTR करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं पुराने यूजर का बता देता हूँ उनको क्या करना है। तो उनको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इस कैप्चा कोड पर क्लिक करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट में आना है, और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड और एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखेगी, और आप अपने सारे एप्लीकेशन की हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको ड्राइवर की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, यहाँ पर आपको इसके सामने अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पर क्लिक करोगे जैसे ही, इसके बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो होंगी फिल होंगी, और आपको सारी डिटेल को चेक करने के बाद सेवन नेक्स्ट करते जाना है। इसके बाद जब आप सेवंथ स्टेप पर आ जाओगे, वहां से पुराने कैंडिडेट और नए कैंडिडेट प्रोसेस जो है सेम होगा, तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। ठीक है, अब मैं बताते हैं उन कैंडिडेट का जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लॉगआउट कर लेते हैं। अब देखिए हम नए यूजर का बताते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, आपको इस सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो थोड़ा इस वीडियो को स्किप कर लीजिए, क्योंकि आपको सेवंथ स्टेप से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है, आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो कि एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर सबमिट करना है। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो अपने ईमेल आईडी पे चेक कीजिए, वहां पर जो भी OTP आए इसको यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसलिए मेरी डिटेल यहाँ पर फिल है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर देखिएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपकी ऑटोमेटिक फिल होंगी क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये डिटेल फिल कर दी है। इसका आपको नेक्स्ट में आना है आइडेंटिटी डिटेल में, यहाँ पर लिखा है आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो आइडेंटिटी टाइप में आपको दूसरा देना पड़ेगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, आधार कार्ड नंबर और नेम ऑन आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड में नेम है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, और डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2021 से। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर चूज कर लेना है, यहाँ पर लिखा है आर यू ऑर्फन। अगर आप अनाथ है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, अपने मदर का नेम डालना है, और यहाँ से आप अपना प्रीफिक्स चूज कर सकते हैं जो भी आप लगाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपना स्टेट का नाम डालना है, यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, तहसील यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डालना है विलेज का नेम, और यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डाल देना है अगर कोई है तो आपके पास स्टडी फोन नंबर, ऑल्टरनेटिव फोन नंबर अगर आपके पास कोई दूसरा और फोन नंबर है तो डाल दीजिए, या इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं। तो जिस पर ये स्टार मार्क बने हैं उनको डालना आपको जरूरी है। ठीक है, इसका देखिए ये है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी में कोई मार्क है वो डालना आपको। यदि आपकी बॉडी में कोई मार्क्स नहीं है तो आप नो मार्क भी कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई कट मार्क्स मोल है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका देखिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया, डोमिशियल रेजिडेंशियल एरिया आपको आपको डालना है हिली या प्लेन। इसका जेंडर आपको डालना है, और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है डोमिसाइल डिसेबिलिटी डिटेल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डोमिसाइल की डिटेल डालनी है, वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यस कीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी स्थायी निवास, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम और इशू डेट डालनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यस करने पर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ स्कूल डालना पड़ेगा। अगर आप इसको भी नो कर देते हैं तो आपको तीसरा स्टेप मिलता है, आपकी माता पिता उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस करके इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप इन तीनों को नो कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी एक को भी यस कर देते हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डोमिसाइल है तो मेरे को किसी और को यस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डोमिसाइल को यस करूंगा
और बाकी डोमिसाइल की डिटेल यानी कि स्थायी निवास की डिटेल डाल के कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में आप जो भी आपकी कैटेगरी है डाल दीजिए। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। एससी एसटी जो भी है, तो मेरी जनरल है तो मुझे यहाँ पर कोई डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। इसका देखिए यह है आर यू डिफरेंटली एबल, अगर आप दिव्यांग है तो यस कीजिए, आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, और नो करते हैं तो कोई डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी पड़ेगी। इसका देखिए आर यू एक्स आर्मी पर्सन, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी आर्मी पर्सन के लिए है, वेलफेयर रिहेबिलेशन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है, तो इसको भी आप नो कर दीजिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फ्रीडम फाइटर, तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट करोगे आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। देखिए परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, ठीक है, और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ अभी प्रेजेंट में आप रह रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस में आपको पर रूम नंबर डालना है, हाउस नंबर, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद बिल्डिंग नंबर, आप बिल्डिंग नेम आपका नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नेम आपको डाल देना है। एरिया एंड लोकेलिटी अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लैंडमार्क है तो डाल दीजिए। इसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, तहसील आपको डालनी है, विलेज का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ऐसा करने से आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको टिक नहीं करना है, और यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल डालनी है। इसके बाद आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे स्टेप थर्ड में। यहाँ पर देखिए अदर डिटेल, अगर आप उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वैलिडिटी। अगर आप नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कार्ड एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ पर रॉन्ग डिटेल फिल ना करें, आप सिंपल यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपके पास 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, और उसके बाद डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद एनसीसी एनएसएस आपके पास सर्टिफिकेट हो, यस कीजिए, और यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर यस कीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको यूपीएससी एसएससी स्टेट पीसीएस बोर्ड ने कभी ब्लैक लिस्ट किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट है अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको देखिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप ग्रामीण एरिया से तो आप रूरल करेंगे, अगर आप शहरी एरिया से तो आप अर्बन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लेस ऑफ स्कूलिंग, इसमें भी आप रूरल अर्बन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट से किया तो गवर्नमेंट कीजिए, और प्राइवेट से किया तो प्राइवेट कीजिए। फादर का क्वालिफिकेशन डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है फादर का, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए मदर क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपकी मदर की क्वालिफिकेशन है, मदर का ऑक्यूपेशन डालना है, और इसके बाद देखिए मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप तैयारी करते हैं। नेक्स्ट आपको फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव, तो जैसे ही आप सेव नेक्स्ट करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है 8th पास, और बाकी जो यूके यूपीएससी के फॉर्म आते हैं सब में 10th पास या 12th पास मांगा जाता है, लेकिन इस वैकेंसीज में 8th पास मांगा गया है। इसलिए इस वैकेंसीज में लिखा तो गया था कि 27 से फॉर्म फिल होंगे, लेकिन 27 से नहीं हुए, क्योंकि ये जब पहले बार इसका लिंक ओपन हुआ था तो उसमें 10th पास ही था, ऑप्शन नहीं था 8th पास का, फिर से उसको रीओपन किया गया इस लिंक को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डालनी है 8th की क्वालिफिकेशन डिटेल, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 8th पास, तो आपको 8th की डिटेल डालनी पहले। इसके बाद आप 10th की डिटेल डालोगे, इसके बाद आप 12th की डिटेल डालोगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर 8th की डिटेल डालता हूँ, तो मैं 8th यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया क्वालिफिकेशन टाइप में, ईयर मैं यहाँ डाल दूंगा जिस भी ईयर में मैंने 8th पास किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पर अब मैं 8th सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मैं अपने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर लूंगा, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज करने हैं। इसके अलावा आ जाएगा स्टेट, ठीक है, यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, तो आपने अगर उत्तराखंड बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड कर लीजिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई कर लीजिए। तो मेरा जैसे स्टेट बोर्ड है तो मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसका रिजल्ट टाइप आपको सेलेक्ट करना है पास, कोर्स ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना है 1 ईयर, रिमार्क आपको छोड़ सकते हैं आप, और रिजल्ट टाइप में आपको अपना जो भी आपका CGPA ग्रेड मार्क्स वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसका देखिए आउट ऑफ है टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, ऑप्टेन मार्क्स मतलब कि जितने मार्क्स आपके आए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं,
परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी और डिवीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐड कर देना है। ऐड जैसे करोगे यहाँ पर आपका 8th की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल डालनी है, इसके बाद 12th की डिटेल डालनी है अगर आपने 10th 12th किया है तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ 8th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा है, आपको इंटरफेस दिखेगा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दी है। फोटो अपलोड करने के लिए जैसे फोटोग्राफ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो को अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको अपलोड करना है। और तीसरा आपको अपलोड करना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ठीक है। ये सारी ये सब अपलोड करने के बाद आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको 7x पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो कि 7th स्टेप है और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ओल्ड यूजर और नए यूजर यहाँ से आपको सेम स्टेप को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है देखिए यू कैन अप्लाई फॉर द बिलो पोस्ट, ठीक है। ड्राइवर के यहाँ पर पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है। इसका देखिए डू यू हैव वैलिड लाइसेंस, हैवी व्हीकल्स लाइट व्हीकल्स इट शुड बी 3 ईयर ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी एंड लाइट व्हीकल्स का और जो कि 3 साल पुराना होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आया था इस पोस्ट का तो उससे 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद देखिए योर उत्तराखंड रीजन स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर 3 ईयर का ही क्यों आया, क्योंकि सिर्फ मैंने 8th की डिटेल डाली है, ठीक है। अगर मैं 10th की डिटेल भी डालता हूँ तो मैं डिस्पैच राइडर के लिए भी अप्लीकेबल हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10th की डाल दी है, इसलिए मेरा ये एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये है रिव्यू का 8th स्टेप। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर आपको प्लेस डालना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लेस का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसका देखिए एग्जाम की फर्स्ट चॉइस यहाँ पर चूज कर लेनी है और यहाँ पर देखिए सेकंड चॉइस आपको डाल देनी है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है। इसके बाद ये पेमेंट गेटवे है, किसी पेमेंट गेटवे को यहाँ पर चूज कर लीजिए। आपके पास कोई भी कार्ड है ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मैं HDFC चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे को पे नाउ पर क्लिक करना है, इसका एग्री पे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो अब मेरा ATM है तो मैं डेबिट कार्ड चूज कर लूंगा। यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV डाल के आपको मेक पेमेंट करना है। जैसे आप मेक पेमेंट करोगे आपके उसमें OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तराखंड में 164 रिक्त पदों पर जो वैकेंसीज आई है ड्राइवर की, जिसमें कि वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर की पोस्ट है, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इस वीडियो में हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।